हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। तो आज हम दोबारा से जो हमारा जो जस्ट लास्ट चैप्टर है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। जिसने भी इसे जो पिछली वाली वीडियो है नहीं देखी है तो भाई सबसे पहले उसको जाके देखो, वरना तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, मतलब तुम्हें वही जो तुम्हारा चैप्टर है समझ में आएगा नहीं और कुछ नहीं होगा। अब सुनो भाई, हमने इससे पहले जो भी है मतलब कि हम वैसे वन शॉट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, उसमें थोड़ी सी टेक्निकल जो भी है बातें उसके चक्कर में वो वीडियो स्टॉप हुई थी। ठीक है, अब सुनो भाई, हम बात करते हैं कि आज मेरे पास है पीएच स्केल क्या होता है। ठीक, अरे किसी विलयन में भाई, विलयन का मतलब क्या होता है, जो भी पानी का जो घोल होता है ना उसे बोलते हैं विलयन। तो किसी विलयन में एच प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के, मतलब कि जो एच प्लस आयन का मतलब क्या होता है मेरे पास, एच प्लस का मतलब है एसिड। ठीक है, तो मैं जिसको हम बोलते हैं मतलब कि जिसको हिंदी में हम नॉर्मली मतलब अम्ल बोलते हैं। ठीक, अम्ल के बारे में पता लगाना है। तो कह रहा है किसी विलयन में उपस्थित एच प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। ठीक, अब सुनो भाई, मेरे पास कह रहे कि पीएच में जो पी है वो पुंपास से लिया गया, मतलब पुंसास से लिया गया, इसको पुंटेस बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहे कि एक जर्मन शब्द जिसका अर्थ होता है शक्ति। ठीक है, पी का मतलब क्या भाई, पी का मतलब मेरे पास शक्ति है। ठीक, उसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, हम नॉर्मली बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ना बोलते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये हम इसको बोल सकते हैं, बोलते और हिंदी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति। ठीक है, ये तो नॉर्मल भाई जो हिंदी वाले बच्चे आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत इसमें आती नहीं है। सुनो तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कि अगर तुम्हारा जो पीएच है वो 7 के बराबर होता तो तुम्हारा जो विलयन होगा, जो तुम्हारे पास जो विलयन होगा वो तुम्हारा उदासीन होगा। उदासीन का मतलब है उसका, देखो जो उसका स्वाद है वो पानी के जैसा होगा। और अगली बात करते हैं, तुम्हारे पास अगर जो पीएच है वो 7 से कम हुआ उसको बोलते हैं अम्लीय, तो ज्यादा खट्टा होगा वो। और अगर बोलते हैं भाई मेरे पास कहे 7 से ज्यादा होता है उसको बोलते हैं क्षारकीय। ठीक, नेक्स्ट भाई, मैं बस सबसे पहली बात है कह रहा कि ये जो स्केल होता है तुम्हारा 0 से लेके 14 तक का पीएच होता है। ठीक, सबसे पहली बात अगर देखो यहाँ पे कह रहा कि अगर एच प्लस आयन की मात्रा बढ़ती है, इस देखो इस साइड तो दिख रहा, अगर तुम्हारे पास ऐसा है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो देखो दिख रहा है नीचे वाला, तुम्हें ये वाला यहाँ पे, अगर मेरे पास बीच में 7 है, इस साइड 0 है, यहाँ पे 14 है, अगर इस साइड से तुम इस साइड बढ़ रहे हो तो उसको बोलते हैं बढ़ती हुई अम्लीय प्रवृत्ति। ठीक है, मतलब कि अगर तुम 7 से कम जाते हो, 7 से अगर तुम कम की तरफ जा रहे हो तो हम नॉर्मली बोलेंगे मेरे पास जो तुम्हारा विलयन है वो क्या है, उसमें एच प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, मतलब कि वो ज्यादा कठोर, ज्यादा बोल सकते हैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम्हारा एसिड बन जाएगा, ज्यादा कठोर बोलते हैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम्हारा अम्ल बनेगा। ठीक है, इसको हम हिंदी में प्रबल बोलते हैं। अब सुनो मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास ऐसा मान लो कि 7 हो गया, 6 हो गया, 5 4 3 2 1, अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये मेरे पास ना इसकी जो प्रबलता है वो क्या बढ़ रही है, और अगर इस साइड 7 के आसपास होता है हम उसको बोलते हैं दुर्बल है। ठीक, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल ये बोलते हैं। तो ये मेरे पास भाई एक दुर्बल का एग्जाम्पल है, तुम्हारे पास यहाँ पे प्रबल का एग्जाम्पल है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रबल क्षार, अगर तुम्हारा इस साइड से मान लो इस साइड बढ़ता है, ठीक तुम्हारा इस साइड क्या, तो हम क्या बोल देंगे नॉर्मली यहाँ मेरे पास क्या है, क्षारक की प्रकृति बढ़ रही है। ठीक, मतलब कि जो तुम्हारा क्या ज्यादा बेसिक होता जा रहा है, ज्यादा क्षारकीय बनता जा रहा है, तो इसका स्वाद क्या है धीरे धीरे और ज्यादा कड़वा होता जाएगा। नेक्स्ट, तो भाई मेरे पास कह रहे कि प्रबल क्षार होता है, उसके बाद तुम्हारे पास है दुर्बल क्षार। अच्छा भाई, तुम्हें ना एक ना तुम्हारे बुक है उसके अंदर तुम्हारे पास ऐसा रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं इसको, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, और इसको बोलते हैं अभिक्रेता श्रेणी बोलते हैं। ठीक, तो वापस ऐसा अभिक्रेता श्रेणी, अभिक्रेता श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास ना ये बनी होगी भाई, तुम्हें इसको याद करके चलना है, जिसको मैं पता जाए कि कौन तुम्हारे पास ज्यादा स्ट्रांग है और कौन तुम्हारे पास कभी वीक है। अब सुनो, तो मैंने वाली बातें बता दी कि भाई किस साइड क्या होगा। हम अब बात करते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। जब भी तुम्हारे पास महत्व की बात हो तुम्हें समझना जरूरत। ठीक है, तो मैं इसका मतलब क्या समझना भाई, जरूरत क्या है, जरूरत जरूरत की जरूरत क्या है इसकी। ठीक है, जरूरत क्या है इसकी। ठीक है, अब सुनो सबसे पहला भाई हम बात करते हैं कि पौधा जो होता है, ठीक है, पौधा एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील होने का मतलब क्या है भाई, हल्का सा अगर हमारे वातावरण में चेंज आता है तो उनपे प्रभाव पड़ता है। कि जो हमारा शरीर है 7.0 से लेकर 7.8 के मतलब पीएच के बीच में हमेशा मतलब कि कार्य करता है। कह रहे कि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है। ठीक है, मेरे पास कह रहे कि वर्षा के जल का पीएच जो है ना, पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है, मतलब यहाँ पे कहलाती है। ठीक है, ये तुम्हारे पास कहलाता नहीं, कहलाती है, थोड़ा लिखना है। अब सुनो
तो मैंने कहा भाई कि अगर तुम्हारे पास कभी भी जो बारिश का पानी है अगर वो 5.6 से कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है, जो जल्दी पॉसिबल है नहीं। अगर होता है तो भाई मान लो तुम्हारी स्किन वगैरह, जैसे मान के चलो कि बारिश हुई और जो उसका पीएच है मान लो तुम्हारे पास 2 हो गया, ठीक है, उसका पीएच 2 हो गया ना, तो तुम्हारे शरीर पे जैसे ही इसका पानी पड़ेगा तुम्हारे शरीर को जलाना शुरू कर देगा वो, ठीक है। उसके बाद हम अगली बात करते हैं मिट्टी का पीएच के बारे में। कह रहे कि अच्छी उपज के लिए पौधे की एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। देखो तुम्हें देखा होगा भाई कहीं कहीं पेड़ जो है ना बहुत जल्दी उगते हैं, कहीं कहीं जो तुम्हारे पेड़ क्या बहुत ही कम उगते हैं। तो ये कह रहे कि अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक होता है तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारकीय पदार्थ मिलाता है। देखो ऐसा बोलो कि अगर तुम्हारे पास ना जो वहां की मिट्टी जो पीएच है अगर वो 7 से काफी कम हो गया, ठीक, तो वहां पे क्या मिलाएगा भाई, वो क्षार मिला देगा, ठीक, वहां पे क्षार मिलाएगा। और जैसे तुम्हारे पास 7 से ऊपर हो गया तो वहां पे वो अम्ल मिला देता है, ठीक। इन बातों में याद रखे चलना है, सुनो भाई। उसके बाद मेरे पास जो इसका अगला है हम बात करते हैं हमारा जो पाचन तंत्र है, ठीक। सबसे पहले बात तुम्हें ध्यान रख के चल रही है हमारा जो पाचन तंत्र है उसके अंदर एक एसिड होता है, ठीक। क्या होता है उसके अंदर एक एसिड होता है, इसको मतलब कि हिंदी में अम्ल बोलते हैं। हमारे पेट में एक अम्ल होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो कह रहे कि हमारा उदर जिसको उदर इसको बोलते हैं स्टमक पेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, इसको HCl बोलते हैं, उत्पन्न करता है जो भोजन को पचाने में मतलब सहायक होता है, वो हमारे खाने को पचाने में सहायता करता है। क्या उपज की स्थिति में मतलब कि उपज बोलते नहीं भाई ज्यादा वो मतलब कि खाने की वाली बात करते हैं कि उपज की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। देखो यहाँ पे अगर तुम्हारा पेट ना ज्यादा देर तक खाली रहता है तो वो ज्यादा मात्रा में तुम्हारे का एसिड उत्पन्न करता है, ठीक, अम्ल उत्पन्न करेगा, जिसके कारण उदर में मतलब कि जो तुम्हारा स्टमक, ठीक है, पेट के अंदर दर्द व जलन का अनुभव होता है, ठीक। और भाई इससे राहत पाने के लिए हम एक ना मेडिसिन बोलते हैं इसको, कह रहे कि और इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटी एसिड बोलते हैं, ठीक है, मतलब इसको एंटी एसिड बोलते हैं। एंटी एसिड जब भी तुम जाओगे ना तुम देखोगे भाई तुम्हारा पेट में दर्द हो रहा है तो समझो कि भाई तुमने बहुत देर से खाना नहीं खाया, और खाना नहीं खाया तो तुम्हारा पेट में दर्द होता है। कह रहे कि जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। देखो हमारे पेट में जो अम्ल है वो क्या बढ़ गया है, जो अम्ल की मात्रा हमारे पेट में पेट के अंदर है भाई वो क्या है नॉर्मली बढ़ गई है, ठीक है, जो अम्ल है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। अम्ल की मात्रा बढ़ती है तो हम इसमें मिलाते हैं क्षार को, ठीक है, क्षार को मिलाते हैं, क्षार क्या है उसको कंट्रोल कर देता है। उसके बाद भाई इसका ना एक मेरे पास जो नाम है जिसको बोलते हैं मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, तुम इसका यूज कर सकते हो आसानी से। उसके बाद भाई नेक्स्ट जो मेरे पास है कह रहे कि पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। अब सुनो जब पीएच में परिवर्तन होता है मेरे पास क्या है भाई हमारे दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर हम इसकी नॉर्मल सी बात करें कह रहे कि जो हमारे मुंह का पीएच मान था 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। देखो भाई जैसे हमारे मुंह का जो पीएच है वो 5.5 से कम होता है तो हमारे दांत जो सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे कि दांत का जो इनेमल है, ठीक है, जिस चीज से हमारे दांत मिलकर बने होते हैं ना उसे कह रहे कि कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। किससे बनता है भाई, कैल्शियम फॉस्फेट। ध्यान रखना ये तुम्हारा एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा एमसीक्यू में तुम्हें एक मार्क्स गारंटी देके जाएगा। तो कह रहे कि दांतों का जो इनेमल होता है वो बनता है मेरे पास भाई कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ का नाम क्या भाई, कैल्शियम फॉस्फेट दांत। कह रहे कि यह जल में नहीं घुलता, जल में मिक्स नहीं होता है, लेकिन मुंह की पीएच का मान जो मेरे पास मुंह है उसका पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संचारित हो जाता है। देखो भाई यहाँ पर नॉर्मल से की बात है, तुम्हें थोड़ा सा शायद ना मे भी दिख नहीं रहा हुआ, या सुनो यहाँ पे वही कह रहा है मेरे पास कि जो तुम्हारे मुंह का जो पीएच है ना जब मेरे पास 5.5 से कम हो जाता है, ठीक, तो तुम्हारे दांत को सड़ाना शुरू कर देता है। उसके बाद भाई अगला कह रहा है कि क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग से अम्ल की अधिक मात्रा उदासीन किया जा सकता है। देखो अगर तुम्हारा जो दांत है ना वो सड़ सा रहा है, ठीक है, अगर तुम्हारा क्या भाई मान लो सड़ गया तो उसमें ना तुम क्या है कि किसी भी क्षार को लगा लो, मतलब ऐसी चीज जो थोड़ी सी कड़वी हो, ठीक, अगर तुम उसको उसका यूज करते हो रेगुलर बेस पे तो क्या तुम आसानी से बोल सकते हैं कि भाई वो तुम्हारा ठीक हो जाएगा। अब सुनो भाई नेक्स्ट मेरे पास है, हाँ भाई कह रहे कि पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रासायनों से आत्मरक्षा। अगर कोई सा भी पशु या कोई सा पौधा अगर हमें वो कोई सा रासायन कोई सा केमिकल
हमारे शरीर में छोड़ता है, तो उससे कैसे बच सकते हैं? सर मैं उसका भाई, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जो मधुमक्खी जब डंक मारती है हमारे शरीर में अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। ठीक, तो भाई देखो अम्ल छोड़ रहा है ना, अम्ल जैसे छोड़ रहा है उसमें तुम क्षार मिला दो, क्षार मिला दो तुम्हारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, मान लो क्षार मिलाने के तुम उसमें लोहा रगड़ो ठीक हो जाता है। फिर कह रहा है कि डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा, ठीक है बेकिंग सोडा होता है जिसमें मेरे पास ना ये क्षार की होता है, ठीक है तो क्षार की होता है तो बोल सकते हैं, अब उपयोग से तुम्हें क्या आराम मिलता है। फिर कह रहा है कि नेटल के डंक वाले बाल मेथानोइक अम्ल छोड़े जाते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि नेटल एक ना वो भी तुम्हारा जो तुमने जिसको शायद ततैया वगैरह बोलते हैं वो चीज, कह रहे कि मेथानोइक अम्ल छोड़े जाते हैं जिसके कारण जलन व दर्द का अनुभव होता है, कह रहे कि इसका इलाज डंक वाले स्थान पर, हाँ भाई कह रहे डंक वाले स्थान पर डॉग पौधे की पत्ती रगड़ के किया, तो भाई एक ना पौधे का नाम था डाक, ठीक है इसको तो एक बार सर्च मान लें गूगल पे तो मैं आसानी से पता लग जाएगा क्या होता है। फिर भाई अगला मेरे पास है, हम बात करते हैं साधारण नमक के बारे में कि भाई साधारण नमक मेरे पास है क्या, थोड़ा सा ना इस पे थोड़ा गौर से देखना तो तुम्हें थोड़ा सा छोटा दिखेगा ये, ठीक है थोड़ा छोटा दिखना चाहिए क्योंकि अपने साइड में हल्की दिक्कत आती है। अब सुनो, हाँ भाई मेरे पास अगला है साधारण नमक की बात करते हैं, साधारण नमक क्या होता है उसका नाम मेरे पास भाई रासायनों का कच्चा पदार्थ बोलते हैं इसको। देखो अब ना मतलब कि जो साधारण नमक है उससे कौन कौन से कच्चे पदार्थ, मतलब कि बोल सकते कोई सा भी केमिकल है उसके लिए बनता है, मतलब कि कोई सा केमिकल है उसमें साधारण नमक की बात चलती है। कह रहे इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, तुम इसका नाम पहले मैं तुम्हें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर कह रहा है बेकिंग सोडा फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, वॉशिंग सोडा इसके बारे में पढ़ेंगे, विरंजक चूर्ण इसके बारे में पढ़ेंगे, कह रहा आदि के लिए महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। बोल सकते हैं जो साधारण नमक है ना भाई, जो साधारण नमक है ये साधारण नमक क्या है कि भाई एक तरीके से इन सब चीजों को बनाने में एक कच्चे माल के रूप में हमारा हमारे काम आता है। जैसे तुमसे बोल दूं ना कि भाई रोटी बनाने के लिए कच्चा माल क्या चाहिए, आटा चाहिए, तो उसी तरीके से इन सब चीजों को बनाने के लिए हमें साधारण नमक की जरूरत पड़ती है। सबसे मेरे पास वही पहला है जो फर्स्ट है मेरे पास, वो कह रहे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं NaOH, तुम्हारा ये MCQ के फॉर्म में आ सकता है कि भाई बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है। तो कह रहे कह रहे कि सोडियम क्लोराइड के, देखो भाई क्या बोला मैंने कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, देखो कि कोई सा ऐसा जल अगर उस जल के अंदर हम सोडियम क्लोराइड मिलाते हैं तो कह रहे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन जिसको हम लवण जल बोलते हैं मैं विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। तो मैंने क्या बोला देखो सोडियम क्लोराइड ले लो उसके अंदर क्या करो भाई विद्युत का प्रवाह करो उसमें ना इलेक्ट्रिसिटी को दौड़ाओ ठीक है, तो यह करने पे क्या होता है भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है ठीक। फिर कह रहे इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं, भाई तुम्हारे एग्जाम में ना एक मार्क्स आता है भाई कि क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे बोलते हैं, तो तुम्हें इस चीज को लिख दे रहा है ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहे क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन जिसको क्लोर बोलते हैं एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको क्षार कहते हैं ठीक है, इसलिए इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया बोला जाता है। तो इसका भाई जो फॉर्मूला है फॉर्मूला में नॉर्मल सा है ठीक है, मेरे पास है 2NaCl, इसको थोड़ा याद कर लें ठीक है, 2H मेरे पास है ये इस फॉर्मूला तुम्हें याद रखे चलना है। नेक्स्ट कह रहे क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, तुम्हें इसको याद रखे चलना है कि मेरे पास जो भी क्लोरीन है ना वो क्या एनोड पर है ठीक, और जो हाइड्रोजन मेरे पास का भाई वो कैथोड पर है, तुम्हें इन बातों को याद रखे चलना है ठीक है। कह रहे कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है और इस प्रक्रिया से उत्पन्न तीन पदार्थ उपयोगी होते हैं ठीक। अब सुनो हमने इसके ना सबके उपयोग की बात कर लेंगे, देखो भाई हम ना दूसरे की बात करते हैं विरंजक चूर्ण क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण फिर हम ना सबके उपयोग देखेंगे मेरे पास जो इन सबके उपयोग क्या क्या है। सबसे पहला कह रहे भाई विरंजक चूर्ण कह रहा है शुष्क बुझे हुए चूर्ण इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। मेरे पास देखो ये बुझा हुआ चूना इस पर क्लोरीन डाल दिया तो मेरे पास ये बन गया ठीक है, ये पानी तुम्हारा अलग हो गया और ये तुम्हारे पास ये बन जाता है ठीक है। अब सुनो मैं नेक्स्ट कह रहा कि विरंजक चूर्ण का उपयोग पहले मेरे पास है वस्तु ठीक है, वहां के वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के व्यंजक के लिए भाई जो कपड़े वगैरह ना उसमें यूज, जो कपड़े की जो फैक्ट्री होती है उसमें यूज करते हैं इसको। कह रहा है कागज की फैक्ट्री में भी मतलब कागज की फैक्ट्री उसमें यूज होता है। फिर रासायनिक उद्योग, रासायनिक उद्योग मतलब जो जिसका केमिकल का बिजनेस होता है ना भाई, जिस इंसान का केमिकल का बिजनेस है उस केमिकल के बिजनेस में इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है भाई, और इसका और भी जगह काफी जगह उपयोग। फिर अगर कह पीने वाले जल को
जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, ठीक है, रोगाणुनाशक के रूप में होता है। देखो मैं कह रहा भाई कि जो मेरे पास है, अगर तुम्हारा पीने वाला पानी है, पीने वाले पानी के अंदर इसको मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट भाई तुम्हें बेकिंग सोडा, किसी किसी को मतलब तुम समझ ना, जो भी वीडियो देख रहा है उन सबको बेकिंग सोडा के बारे में हल्का बहुत पता होगा। फिर क्या है कि बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े आदि बनाने में किया जाता है, पता है, ठीक है। फिर कि कभी कभी इसका प्रयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। अगर तुम्हें खाना तुरंत पकाना है तो हल्का सा बेकिंग सोडा मिला दो, बन जाएगा, ठीक। अगर इसके हम मान लो कि इसके फॉर्मूले की बात करें तो कह रहे इसके यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। किसका नाम क्या भाई? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको NaHCO3 हमें करेंगे NaHCO3 बोलते हैं। तो कह रहे इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में कहते हैं। देखो हम ना पढ़ रहे हैं सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ रहे हैं, जो तुम्हें टॉप पे लिखवाया था मैंने, बेस के उपयोग है। तुम इसके उपयोग हल्का सा पढ़ो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये बस नेक्स्ट है भाई, धोने वाला सोडे की बात चल रही है, ठीक। तो कह रहे कि सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। भाई ये पास से अगर तुम क्रिस्टलीकरण करते हो तो उससे मेरे पास क्या है, ये धोने का सोडा प्राप्त होता है। इसकी प्रकृति क्या होती है भाई? इसको बोलते हैं क्षारकीय लवण है ये। तो इसका फॉर्मूला तुम्हारे पास ये रहा, इस फॉर्मूले को याद कर लेना। धोने का सोडे का उपयोग है, ठीक। जो धोने का सोडा है उसके उपयोग क्या है इसको पढ़ लेना। पहले कह रहे कि भाई मेरे पास है इसका उपयोग कांच के कांच साबुन कागज के उद्योग में। उद्योग का मतलब तुम्हारे पास होता है बिजनेस, ठीक है, फैक्ट्री इंडस्ट्री उन समय होता है, ठीक है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में, मतलब भाई बोरेक्स भी एक प्रकार मेरे पास पदार्थ है उसके में, और बाकी इन दोनों को पढ़ने का आसान सा है। नेक्स्ट मेरे पास भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तुम्हारे पास 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। जब भी तुम्हारे पास ना इनके क्वेश्चन बनते हैं भाई, सबके और डिट्टो छाप दे करो, यहाँ से शुरू करके जो पूरा एंड तक होता है ना इसका उपयोग तक, इन सबको डिट्टो छाप दे करो। सुनो, जिप्सम में 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको POP बोलते हैं, ठीक है। फिर कह रहे कि यह सफेद चूर्ण होता है, एक सफेद प्रकार का चूरा होता है, ठीक, जो जल में मिलाने पर है पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। देखो क्या बोला मैंने कि भाई कि ये जो मेरे पास होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये नॉर्मली मेरे पास पहले तो पाउडर की फॉर्म में होते हैं, ये पहले पाउडर की फॉर्म में, लेकिन जैसे इसमें पानी मिलाते हैं, इसमें जैसे ही पानी मिलाते हैं मेरे पास क्या भाई दोबारा से ठोस बन जाता है, ठीक है। पानी मिलाने में क्या होता है, दोबारा ठोस बन जाता है। नेक्स्ट भाई अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका जो यूज सब तुम सबको बहुत तरीके से पता है, इसका यूज पढ़ लेना, ठीक है। जो उसका यूज है, पहले मेरे पास वही की जो टूटी हुई हड्डी होती है ना उन सबको जोड़ने में, जो खिलौने बनाने में उसका यूज होता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाना, तुम्हारे घर में जो POP वगैरह होती है वो ये वही वाली चीज है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास है भाई क्रिस्टलन का जल, ठीक है। ये तुम्हारे पास ना 1 से 2 मार्क्स तुम्हें अच्छे खासे देते हैं तुम्हारे एग्जाम में। कह रहे कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। हमें कह रहे कि जो लवण होता है, ठीक है, लवण मेरे पास वही है जो एसिड प्लस बेस, जिसने लास्ट क्लास देखी है उसे समझ में आ जाएगा भाई। अगर तुम सबको ना बहुत ही डिटेल में चाहिए कि भाई मुझे एकदम डिटेल में बताओ, सबसे पहला भाई मेरे पास जो पहला ऑप्शन बोलूंगा कि बच्चों मैंने तुम्हारे पास ना जो वीडियो है उसे अपलोड कर रखी है, ठीक है, जो इसकी जो डिटेल वीडियो है उसको अपलोड कर रखी है मैंने। और फिर जो अगर तुमसे दूसरी बात भाई तुम्हें चाहिए कि हाँ और अच्छे से है, तो वही चीज बोलूंगा मैं दोबारा कि जो हमारी लाइव क्लास है तुम उसे अटेंड करोगे, या फिर तुम्हें अगर हमारा कोर्स परचेज करना है, ठीक है, तो वो बात मेरे पास लग जाती है, ठीक है। सुनो भाई, तो कह रहे कि लवण के एक सूत्र इकाई में जिसका उदाहरण है, इसका मेरे पास उदाहरण यही कह रहे कि CuSO4, ये तुम्हें इसका एग्जांपल याद करके चल लेना है, ठीक है। ये तुम्हारा भाई पूरा चैप्टर है, ये एंड हो रखा है। इसके जो इसकी जस्ट जो अगली क्लास आएगी, हम इसी चैप्टर के जो भी तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे पास होंगे भाई, हम उन सबके बारे में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे उसको। जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना भाई, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। और भाई तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारे साथ का और कोई है, ठीक है, तो तुम उनके साथ वीडियो शेयर कर सकते हो। और भाई ट्राई मारो कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है ना, इसके सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ जाए, किसी भी तरीके से इसको ना कैसे भी, अभी जो है 2022 खत्म होने से पहले, 2022 खत्म होने से पहले कम से कम 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाओ कैसे भी, ठीक है। तो देखो भाई जितना मैंने बता दिया तुम्हें, सारा पहले कर लेना है, उसके बाद इन सबको याद करो। तुम सबको अगर इसके PDF चाहिए तो भाई तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, और जो मेरे पास लाइव क्लास दे रहा है वो मेरे को व्हाट्सअप कर देगा, ठीक है, मैं उसको इसकी जो PDF है वो सेंड कर दूंगा, और फिर बाकी तुम्हारी सारी बात की बात करती है, ठीक है। धन्यवाद।